हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज जो है ना हमारी गुरु महाराज की जयंती है, तो आप लोग सभी को जय गुरु, गुरु महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी वजह से हम लोग आज बहुत खुश हैं। घर में भी पूजा कर लिया है, प्रसाद चढ़ा लिया है और मैं जाने वाली हूँ सत्संग आश्रम। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं हर बार कुछ भी फंक्शन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि गुरु महाराज के पास जाकर उनका आशीर्वाद लें, मीन्स आश्रम जाकर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना सत्संग वाला होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं खुद जय कुमार जी महाराज से आग्रह करता हूँ कि वो जो हमारे आराध्य देव है उनके जीवनी के बारे में हमें बता। दोस्तों, हम लोग संतमत सत्संग आश्रम छतरपुर दिल्ली आ चुके हैं। यहाँ पे सत्संग स्टार्ट हो गया था। हम लोग इस महापुरुष की पावन 140वां पावन जयंती हम लोग मना रहे हैं। हम लोग जानते ही हैं ये महापुरुष, अभी हम लोग सुन भी रहे थे, आज गुरु महाराज नहीं आए होते हम लोग इस ज्ञान से दूर हो गए होते। जब तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हित नामी कलियुग, गुरु सदगुरु के समान हित करने वाले कोई नहीं है संसार। गुरु की तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु शरीर के भी रक्षक हैं, मन के भी रक्षक हैं और आत्मा के भी रक्षक। अंदर पथ भेद न थे जाहि, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया काम गुरु साहब बाबा जी ने। अगर गुरु नहीं होते तुम्हारे की माने में, गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही, मेही न गुरु बिन आने उपकारी हो पाए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कवि साहब ने कहा दिया, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, असात समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण दिखा न जाए। गुरु अभी हम लोग कुछ स्वामी जय कुमार जी महाराज से सुन रहे थे। बहुत यहाँ पर प्रवचन के बाद माल्यार्पण होगा और बाबा लोग गुरु महाराज को और सनसई बाबा को माला पहनाएंगे। उसके बाद यहाँ के मेंबर लोग भी माल्यार्पण करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है ना जय कुमार बाबा कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम से आए हुए हैं प्रवचन करने के लिए। जो लोग बच गए थे वो लोग माल्यार्पण करेंगे, फिर आरती होगा। फिर भी आप लोगों की उपस्थिति ये दर्शाता है कि हमें गुरु महाराज के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। दोस्तों, हम लोगों ने सत्संग के बाद पुष्पांजलि किया, गुरु महाराज को फूल चढ़ा के प्रणाम किया। उसके बाद देखिए, हम लोग के लिए व्यवस्था थी मीठी शरबत की, तो हम लोगों ने यहाँ पे मीठी शरबत पिया और बहुत ही अच्छा था, मीठा शरबत था एकदम ही, और एकदम ही ठंडा था। और फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और लोग भी बहुत ज़्यादा आए थे और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा किया गया था। यहाँ पे देखिए, भंडारे का भी इंतजाम हो चुका है और हम लोग इसके बाद अब भंडारा खाएंगे शरबत पीने के बाद। दोस्तों, हम लोग भंडारा खाने के लिए आ चुके हैं और भंडारा में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मिला माजा, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सबको गर्मी से बुरा हाल था, इसी वजह से हर चीज़ ठंडा दिया जा रहा था। और प्रसाद में हम लोगों को मिला पूरी सब्जी, एक मीठा होता है बूंदी, और फ्राइड राइस था, मींस पुलाव दाल और बूंदी का रायता। सबको खाकर मन खुश हो गया और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग बहुत इंजॉय किए, खासकर बच्चे लोग, क्योंकि उन लोगों को माजा मिल गया, ठंडा मिल गया पीने का, तो सबको बहुत खुश थे। और देखिए कितनी भीड़ है आज सत्संग आश्रम में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग आते हैं ना तो सत्संग आश्रम का एक माहौल ही अलग लगता है। और देखिए, अब यहाँ पे जो है ना कुछ बुक स्टॉल भी था, बुक वगैरह ले सकते हैं और फ़ोटो भी ले सकते हैं गुरु महाराज का, यहाँ पे मिल रही थी। और इसके बाद मैं आ गई यहाँ हॉल में, यहाँ पे प्रणाम किया गुरु महाराज को, फिर कुछ फ़ोटो क्लिक कराया, अब भजन
स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। भजन स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था भजन सुनकर। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो में कंटिन्यू रहिए। फ्रेंड्स अभी जो है ना भजन के बाद स्तुति प्रार्थना होगा, ग्रंथ पाठ होगा, फिर सत्संग प्रवचन होगा, तो वीडियो में बने रहें। जो गुरु पद के स्मरण से जीव जीवती पुण्य प्रदान करता है, मंगलमय मंगल करना। और जो गुरु से युक्ति नहीं लिए हैं, वे युक्ति जान ले या जान करके सब करेंगे तो महाकल्याण होगा। 140वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, या दूसरी पाली है, एक जोड़ चार जोड़ शून्य बराबर पांच। उसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पांच पांच परत रस शब्द गंध अरुणो इनकर कहा न कीजिए, नहीं तो गौरी परम भव को। यही मानते हैं समैया में कम परमेश्वर में प्यार। संसारी आदमी जो होते हैं वो केवल जो है गाते हैं, काल्पनिक बनाते हैं, लेकिन संत लोग जो होते हैं काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक जो है कर कर दिखलाते हैं और गाते हैं, तो उनके वाणी का जो है असर जो है बहुत पड़ता है। लोग निष्क्रिय होना चाहते हैं, गुरु महाराज ने जैसा काम किया वैसा करना पड़ेगा। जहाँ को मार कर कोई जो है खोज करता है तो वैज्ञानिक बनता है। इसकी अमृत वाणी सुनकर दुनिया हुई हाँ, आज दुनिया निहाल हो गई है, धन है वह माँ। इसलिए संत पटो ने तो कहा, धन जननी जिन जाया है सुत संत सखी। वही माँ धन्य है जिन्होंने संत को उत्पन्न किया,
गई, कहाँ फंस गई? कबीर साहब ने कहा सुरत फंसी संसार में, तेहिते बड़े को तो दूर सुरत बांधी स्थिर करो काठो पागल। गुरु को साहब समझो, परमात्मा समझो, ये परमात्मा है भी। मैं भी आप लोग इतनी किस्म गरीब बैठे हुए हैं और कृपा है ये, और मैं गुरुवार से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब को इस तरह से अपना खत अच्छा बना रहे हैं, आप सब की मदद में करते हैं। मैं भी गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ आप लोगों की रुचि इसी तरह से सत्संग से लग करके रहे। यहाँ के मेंबर गुरु महाराज के बारे में दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद हम लोग घर चले आए थे और फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।